बहुत लोगों के जीवन का प्रश्न है, जब भी ध्यान में बैठते हैं आंतरिक संवाद शुरू हो जाता है, भीतर भीतर ही बात चलने लगती है और विचार इतने ज़्यादा तेज़ी से आते हैं जितना पहले कभी नहीं आते हैं। सामान्य रूप से विचारों में वो तेज़ी नहीं होती है जितना तेज़ी हो जाती है जब ध्यान में बैठते हैं। पहली बात, आप सौभाग्यशाली हैं, कम से कम आप ध्यान में बैठते हैं, आप प्रयास कर रहे हैं बैठने का, बहुत शुभ है। प्यास जग गई है, ये प्यास आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। सिर्फ आप आधे घंटे के लिए बैठना ना छोड़ें, पहली आवश्यकता है। दूसरी बात, मैं केवल आप ही के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूँ, इतने सारे लोगों के प्राणों का प्रश्न है, भले ही पूछ नहीं पाते हैं, पूछ ले नहीं पाते हैं कि वो ध्यान में बैठते ही नहीं। लेकिन ये समस्या सबकी है कि ध्यान करना सबके लिए बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि विचार बहुत तेज़ी से उस समय उठने लगते हैं जब हम ध्यान के नाम पर बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, घड़ी आधी घड़ी के लिए। फिर ध्यान कैसे संभव हो? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर शरीर के तल से ऊपर की आवश्यकताओं की दिशा में कदम बढ़ाना है, मन के तल और आत्मा के तल के आनंद को पाना है, अगर इस शरीर को छोड़ने के पहले परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध करने का सपना, उस अवस्था को पाने की प्यास आपके प्राणों में है, तो एक सत्य आपके प्राणों तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज तक जिसको भी परम आनंद की संपदा इस पृथ्वी पर मिली है, किसी ने नहीं कहा कि बाहर दौड़ दौड़ के खोजा और मैंने पा लिया। जिसको भी मिली है उसमें से एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि बाहर खूब दौड़ धूप की, तीर्थ गए, यात्राएं की, यहाँ खोजा वहाँ खोजा, सारी दुनिया में खोजा, तब जाकर उन्हें मिल गया। एक ने भी नहीं कहा। जिसको जिसको भी मिला है उन सब ने एक सत्य को उजागर किया, सब ने कहा हमने सारी दौड़ छोड़ दी, सारी खोज छोड़ दी, सारा भागना छोड़ दिया, ठहर गए, आंख बंद कर ली, भीतर खोजा और पा गया, सबने यही कहा। तो पहला सत्य तो आप समझ लें कि ठहर जाना जरूरी है और आंख बंद करके बैठना जरूरी है, और कम से कम 24 घंटे में आधे घंटे के लिए ऐसे हो जाना जैसे आधे घंटे के लिए सारी दुनिया मेरे लिए समाप्त हो गई है। आखिर अब तक की जिंदगी में 24 घंटे संसार में उछल कूद करते रहे, कुछ नहीं मिला, सिर्फ आधे घंटे की बात है, आधे घंटे के लिए हम संसार से मुक्त हो जाते हैं, आधे घंटे के लिए अपनी जिंदगी से संसार को विदा दे देते हैं, आधे घंटे के लिए संसार हमारे लिए समाप्त हो जाता है। और जैसे ही आप आधे घंटे के लिए संसार को विदा कर देते हैं, आपकी आंख बंद हो जाती है। अब आपको कोई भय नहीं है कि इस आधे घंटे में क्या होगा, दुनिया में क्या नहीं होगा। इस भाव से बैठ जाए आधे घंटे के लिए, गुड बाय टू द होल वर्ल्ड फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए सारे संसार को नमस्ते कर लीजिए। इतनी तीव्रता से ये भाव हो कि आधे घंटे के लिए हम संसार से मुक्त हो गए हैं, आपका 50% काम वहीं हो जाता है, पहली आवश्यकता। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ध्यान के बारे में भूल जाइए। जैसे आपके पास एक गार्डन है, एक बगीचा है, उसमें आपको गुलाब के फूल लगाने हैं, आपको गुलाब का फूल चाहिए, तो गुलाब का फूल आपको चाहिए तो गुलाब का फूल पाने के लिए क्या आप गुलाब गुलाब करते हैं, गुलाब का फूल ले आते हैं? नहीं, गुलाब का फूल लाने के लिए आप उसकी मिट्टी को ठीक करते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें बीज डालते हैं, ये तो करते हैं, भूल जाते हैं गुलाब को।
उसकी मिट्टी को ठीक करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, उसमें बीज डालते हैं, और गुलाब तो बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप आ जाता है। अगर ध्यान अपनी जिंदगी में पैदा करना है तो ध्यान की बात भूल जाइए। ध्यान आएगा कहाँ? ध्यान आपके जीवन में आना है। अब ध्यान का बगीचा कहाँ है? आपका शरीर। तो आपको देखना है कि आपका शरीर ठीक हो, आप मन के तल पर ठीक हो, मन यानी विचार, शरीर के तल पर ठीक हो, विचारों के तल पर ठीक हो, और दूसरा भाव। आपकी जिंदगी तीन चीजों से बनी है, शरीर से, और दूसरी परत है गहरी आपकी विचारों की, और तीसरी परत है आपकी भावनाओं की। विचार तो वो है जो आप सोच विचार करते हैं, भावनाएं हैं जैसे प्रेम का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, घृणा का भाव है, मोह का भाव है, क्रोध का भाव है, ये भाव। और विचार, विचार तरह तरह के हैं। यानी तीन तल पर आपका जीवन है पूरा पूरा, और चौथा तल जो है आपके जीवन का वो है आपकी आत्मा का केंद्र। आत्मा यानी चेतना, चेतना का फूल खिल जाए इसे हम कहते हैं ध्यान। तो आप ध्यान को भूल जाइए। जिस जमीन में ध्यान का फूल खिलना है उस जमीन को ठीक करने की ज़रूरत है। शरीर के तल पर आप ठीक हो, तीन चीज़ें आपकी समझ में आ जाएं, शरीर के प्रति, विचारों के प्रति और भावनाओं के प्रति। शरीर के प्रति क्या समझ होनी चाहिए? शरीर के प्रति सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक समझ का सार यही है, हमेशा ध्यान रखना। जिस जिसने भी जाना, जिस जिसने भी पाया, उसने कहा कि इस सत्य को समझ लो कि तुम शरीर नहीं हो। यू आर नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ। अगर आप शरीर होते तो मरने के बाद भी शरीर तो पड़ा रहता है, लेकिन कहते हैं मिस्टर एक्स इज नो मोर। इसका सीधा अर्थ है कि मैं शरीर नहीं हूँ। तो हमेशा शरीर के प्रति साक्षी भाव रखो, यानी 24 घंटे में 24 बार शरीर के बाहर खड़े होकर देखो कि ये शरीर ये काम कर रहा है, अब ये काम कर रहा है, अब ये काम कर रहा है, अब किसी को प्यार से गोद में ले रहा है, अब किसी को कुछ बोल रहा है, अब किसी को सुन रहा है, जैसे इस समय मुझे सुन रहे हो। अभी भोजन करोगे तो कभी शरीर को भोजन करता हुआ देखो। शरीर के बाहर खड़े होकर अपने को शरीर से अलग समझो, शरीर के प्रति साक्षी भाव, यानी आप शरीर से अलग हैं, शरीर नहीं है, इस भाव को गहरा होने दें। ये भाव जितना गहरा होता जाएगा उतना ही आप शरीर के बजाय अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में स्थित होने लगेंगे। अभी आपकी चेतना आपके शरीर में स्थित होती है। आप सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, हर आदमी ने शरीर के साथ तादात्म्य कर रखा है, आइडेंटिफाई कर लिया है, शरीर को ही मान लिया है कि मैं हूँ। अभी कोई आदमी गाली दे देता है तो आप उससे वजनदार गाली दे देते हो, कह दो इसने मुझे गाली दिया। जबकि समझदार आदमी ये सोचता है कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, ये देखो कि अगला आदमी इस शरीर को गाली दे रहा है। भगवान बुद्ध के ऊपर आदमी उनके गाल पे थूक देता है, वो चादर उठा के पोछ लेते हैं, तुम तो होते उसकी खोपड़ी फोड़ देते। तो इस शरीर से पृथक होने का भाव, मैं शरीर नहीं हूँ। दूसरे, विचारों के प्रति भी आप गहनता से देखो। आपको लगता है कि जो मेरे विचार आ रहे हैं ये मेरे विचार हैं, और विचारों से आप तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, एकात्म हो जाते हैं, आप मानते हैं कि मैं विचार ही हूँ। जबकि अगर आपके भीतर यह समझ आ जाए कि विचार तो मेहमान की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं, ये बिल्कुल मेरे से अलग हैं, आप विचार नहीं हैं, विचारों से भी अलग आपका अस्तित्व है। दूसरा भाव विचारों के प्रति, विचारों के प्रति भी साक्षी भाव आए, उनको तटस्थ होकर देखो कि आप विचार नहीं हैं, उनसे अलग खड़े होकर देखो। कभी कभी शरीर के बाहर खड़े हो जाओ आँख बंद करके 10 मिनट के लिए, और देखो कि अब इस खोपड़ी में ये विचार आ रहा है, फिर ये विचार आ रहा है, फिर ये विचार आ रहा है। एक एक विचार को देखते जाओ, आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको पता चलेगा ये विचार तो बिल्कुल मेहमान की तरह हैं,
मेरे बिल्कुल नहीं है, आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, विचारों के प्रति साक्षी भाव, साक्षी भाव, तटस्थ होके अलग खड़े होके उनको देखो। जब तुम विचारों को देखना शुरू करोगे तो पाओगे कि विचार धीरे 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 कम होने लगे हैं और दो विचारों के बीच में अंतराल आने लगा है, गैप आने लगा है। एक विचार आया उसके बाद दूसरा विचार आने में टाइम लगता है, गैप, इंटरवल। उस इंटरवल में आप आत्मा में स्थित हो जाते हैं, आत्मा की झलक मिल जाती है आपको। आत्मा की झलक मिलते ही कुछ आनंद की लहर, आनंद की एक तरंग आपके भीतर प्रवेश कर जाती है और आपको सच्चे अर्थों में अध्यात्म का स्वाद देती है। गीता कुरान बाइबल पढ़ने से, रामायण और उपनिषदों का पाठ करने से आपको कभी आत्मा का स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन आप 10 मिनट के लिए एक छोटा सा प्रयोग करें, आँख बंद करके बैठ जाएं और विचारों को देखना शुरू करें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 21 दिन आप प्रयोग करके देख लीजिए। अगर 21 दिन 10-10 मिनट भी आप विचारों को देखते रहे तो दो विचारों के बीच में अंतराल आएगा, उस अंतराल में आपका आपकी आत्मा से पहली बार संबंध बनेगा और अकारण आनंद की लहर आपको पकड़ेगी। ऐसी पकड़ेगी लहर कि छुड़ाए छूटेगी नहीं, फिर आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, ध्यान करना नहीं छूटेगा। ये जो अभ्यास से अनुभव होता है, अभ्यास से जो स्वाद मिलता है, उसकी धार आपको पकड़ती है तो आपके जीवन में आनंद का अवतरण होता है। ये पारंपरिक कर्म कांडों को करने से आपको कोई अनुभव नहीं, एक औपचारिक सांत्वना मिल सकती है लेकिन उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं। अगर स्वयं आत्मा के जगत में प्रवेश करना है तो छोटा सा अभ्यास करो, विचारों के प्रति साक्षी भाव को साधो। और तीसरा तल है भावनाओं का तल। जो भावनाएं आपको पकड़ती है, जैसे क्रोध आपको पकड़ता है, पहली बात तो आप सौभाग्य मानिए कि आपको क्रोध पकड़ता है, इसका मतलब आपके भीतर शक्ति है, ऊर्जा है, आप जीवंत हैं, अभी मरे नहीं हैं। कुछ लोग तो इतने मरे मराए हो गए कि उनके भीतर क्रोध पैदा ही नहीं होता। जिसके भीतर क्रोध नहीं पैदा होता उसके भीतर प्रेम भी नहीं पैदा हो सकता, यानी ऊर्जा ही नहीं, शक्ति। क्रोध आपके भीतर पैदा होता है, सौभाग्य मानिए कि आपके भीतर जीवन ऊर्जा है। और दूसरा सौभाग्य है कि आप इस ऊर्जा की उपलब्धता को रूपांतरित कर सकते हैं, इसे प्रेम में बदल सकते हैं। क्या उपाय है? क्रोध जब भी आपके भीतर पैदा हो इसको सौभाग्य मानिए, एक अवसर मानिए और उस समय थोड़ा सा साक्षी भाव का अभ्यास करिए। जब क्रोध आपको पकड़े तो मेरे वचन याद करो कि क्रोध मुझे पकड़ रहा है और गुरुदेव ने कहा था इस शरीर के बाहर खड़े होकर मुझे याद रखना है कि अब क्रोध का भाव मेरे भीतर उठ रहा है, क्रोध की आग मेरे भीतर फैल रही है और मुझे इसको देखना है। जब क्रोध आपके भीतर उठता है तो आप उस समय गायब हो जाते हैं। आज तक कभी भी आप क्रोध से नहीं मिले हैं, क्योंकि एक टेम्परेरी पागलपन की अवस्था होती है। जब क्रोध होता है तो आप नहीं होते, जब क्रोध जा चुका होता है तब आप होते हैं। इसलिए जब क्रोध आपको पकड़े तो थोड़ा होश बनाए रखो, इसका मतलब आप उस समय क्रोध को देख रहे हैं। आप क्रोध को नहीं देख पाते आज तक। जब क्रोध आता है आप कहते हैं कि गुरुदेव मुझ जैसा मात्र भक्त, मैंने आज माँ पे हाथ उठा दिया, मैंने आज पत्नी को इतना प्यार करता हूँ, आज मैंने पत्नी पर हाथ उठा दिया। यानी आप नहीं थे उस समय, क्रोध था, आप नहीं थे, हाथ उठ गया। आप होते तो नहीं उठता हाथ। जब क्रोध का भाव उठे आप क्रोध को देखने की चेष्टा करें, अभ्यास करें, थोड़ा थोड़ा अभ्यास। 10 बार अभ्यास कर लिया तो ऐसा मजा आएगा कि क्रोध उठेगा, आप देखोगे और जैसे क्रोध को आप देखोगे क्रोध भाग जाएगा, क्रोध टिक ही नहीं सकता, आपको हंसी आएगी। मैं व्यावहारिक सूत्र बता रहा हूँ, इनका आप अभ्यास करो तो जो भाव उठते हैं आपके पास, चाहे क्रोध का भाव हो, जब प्रेम का भाव उठे तो साक्षी भाव से देखोगे कि अब मेरे शरीर के भीतर इस व्यक्ति के प्रति प्रेम उठ रहा है, तो तुम प्रेम के भी साक्षी हो जाओ, तुम क्रोध के भी साक्षी हो जाओ। जब तीन तलों पर आप साक्षी भाव को साधते हो, शरीर के तल पर, विचार के तल पर और मन के तल पर, तब अपने आप ध्यान का फूल खिलता है।
उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। ध्यान इज बाई प्रोडक्ट, वो फल के रूप में आपको मिलता है।